दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक नई खुशखबरी के साथ मैं हाजिर हूँ। रेलवे ने आरपीएफ के रिक्वायरमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया, तो आपको मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा क्या है, कब से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नोटिफिकेशन है क्या। तो ये देख रहे हैं कि इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एम्प्लॉयमेंट नोटिस कांस्टेबल आरपीएफ 1/2018, रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स इन लेवल 3 of 7 पे कमीशन मैट्रिक विद इनिशियल पे ऑफ 21,700 एंड अलाउंस। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे क्या है नोटिफिकेशन डिटेल, कब फिल करना है, कैसे क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो जो सबसे पहले है डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे वो 1/6/2018 है, जो कि 1 जून से स्टार्ट होगा और लास्ट डे जो अप्लाई करने का फॉर्म है वो 30/6/2018 है, मीन्स 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कोई एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो मंथ ऑफ सेप्टेम्बर और अक्टूबर में होने की संभावना है। दोस्तों यहाँ पे होने की संभावना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो सकता है और पहले भी इन टेंटेटिव डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कितने फॉर्म है और आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले बताते हैं कि ये जो फॉर्म है वो ओनली आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई करने का कोई सुविधा नहीं है और आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो कि एज का बात करें तो एज 1/7/2018 से जो काउंट किया जाएगा वो 18 से 25 साल के बीच में होगा, जो कि आपको यहाँ पे बोला कि रेफर पार 3.04 एज रिडक्शन में जो भी एससी एसटी ओबीसी है उसके लिए जो भी एज में छूट मिलती है उसको छूट मिलेगी, बट जनरल के लिए 18 से 25 साल 1/7/2018 तक होना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस जॉब है इसलिए इसमें एज थोड़ी कम होती है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जनरल रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो हर एक जोन का अपना अपना अलग एग्ज़ाम होगा, तो हर एक जोन अपना अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं, कुछ देखते हैं कि इसका कितनी वैकेंसी है। तो जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल मेल के लिए है 4,403 और फीमेल के लिए 4,216, तो टोटल 9,000 अराउंड 8,600-8,700 अराउंड के अंडर वैकेंसी है। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है रेलवे में आरपीएफ में जॉब पाने के लिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको जो मैंडेटरी है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद पुलिस का एग्जामिनेशन है, पुलिस कांस्टेबल का है, तो उसमें आपको बहुत ही मायने रखता है हाइट। तो हाइट जनरल के लिए यहाँ पे अलग अलग है, तो एक जनरल और ओबीसी के लिए 165 और फीमेल के लिए 157, जो एससी एसटी के लिए मेल के लिए 160 और 152 है वो फीमेल के लिए है। तो यहाँ पे और चेस्ट का भी दिया हुआ है, उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आप इसको रीड करें, उसके अंदर आप फॉल करते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में आता है, तो एग्जामिनेशन फ़ी 500 है और 250 एस सी एस टी और XML फीमेल कैंडिडेट के लिए है, जो कि हम लोग ग्रुप डी के लिए भी सेम फ़ी था। तो ऑनलाइन सारे फ़ी जो होगा वो ऑनलाइन पे किया जाएगा, वो ऑनलाइन आप कहीं भी जाके या SBI के ब्रांच में जाके पे कर सकते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन, जो भी आप जिस बिलोंग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें जो अभी आपको छूट मिलती है वो सारा छूट आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है। ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिट बाय द कैंडिडेट टू द एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नोटिफाइड पोस्ट थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। आप एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हर एक जोन पे आप जाके अलग अलग जोन में अलग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका कॉमन एक ही फॉर्म होगा, उसके बाद जो होगा वो कॉमन होगा, वो कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि सेम टाइप का एग्जामिनेशन जैसे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं या या टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन, बट इसमें क्वेश्चन थोड़ी सी इजी आती है। जो लैंग्वेज होगी वो एग्ज़ाम का वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल,
तेलुगु, ये सारे लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होगी। और जो एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड होगा वो होगा 10th लेवल मैट्रिक लेवल का एग्जामिनेशन होगा। और सारे उसमें उसके बाद डिटेल इंस्ट्रक्शन जो भी हुआ होगा वो कॉल लेटर, ई कॉल लेटर का जब होगा CVT एग्जामिनेशन का होगा उसमें आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। और जो एग्जामिनेशन होगा वो टोटल ड्यूरेशन होगा 90 मिनट का। और जो क्वेश्चन होगा वो 120 क्वेश्चन होगा, उसमें जनरल अवेयरनेस होंगे, अर्थमेटिक होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा। ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। और मैं अपने चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, जैसे यहाँ पे जाके देख सकते हैं GS के मैथमेटिक्स और रेलवे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग फॉर रेलवे। तो यहाँ पे हर एक वीडियो को आप वन बाय वन देख सकते हैं। उसके बाद जो आता है फिजिकल टेस्ट होगा, जो फिजिकल टेस्ट होगा वो 1600 मीटर कॉन्स्टेबल मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में करना है। और लॉन्ग जंप 14 फीट होगा और हाई जंप 4 फीट होगा। तो ये बेसिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसको PET बोलते हैं। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट में के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको एक ही है, वो है ऑनलाइन ही जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे का, जो भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अप्लाई करें। अपने जैसे लोकल बोर्ड में ही अप्लाई करें, आप जहाँ के रहने वाले हैं वहीं पे जाके रीजनल लोक बोर्ड में अप्लाई करें, ताकि इजीली होगा आपको भी सब कुछ एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना, सब कुछ ज़्यादा दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे सब जगह ये सेंट्रल वाइज है, तो आपको यहाँ पे सेम जैसे फ़ोटो कॉपी हम लोग अपलोड किए थे टेक्नीशियन और ग्रुप डी में, वैसे ही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। मैं आपको कंप्लीट स्टेप बताऊंगा हाउ टू फिल द फॉर्म RPF का कैसे, ताकि कोई भी गलती ना करें। तो बेसिकली दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।